ਸ਼ੀਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ECR ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰੀਇਸ਼ੂ ECR ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ECR ਤੇ ਨਾਨ ECR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ECR ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ रिक्वायर्ड होंगी है मतलब ECR का मतलब इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नॉन ECR के इमीग्रेशन की लोड़ नहीं पैंती ये थानू जे हटा चाहते हो दसवीं का सर्टिफिकेट लगाना पैंता जा फिर तुम आपदिया इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कराने तो बाद ला सकते हो आओ आप वीडियो देखते हैं किमें तुम ECR हटा सकते हो प्लस रिन्यू किमें कर सकते हो तो नवा पासपोर्ट किमें बना सकते हो सब तो पहला तुसी पासपोर्ट सेवा केंद्र की वैबसाइट पर जाना उत्थे जाके तुहानू नवीं रजिस्ट्रेशन करनी पैनी है रजिस्ट्रेशन नवीं करन लई तुहानू न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर ते क्लिक करना न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर ते क्लिक करोगे तुहानू मैं दसदा किवें तुसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सिंपल तरीका गा बिल्कुल देखो इत्थे आपां पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना जिहड़ा तुहाडा पासपोर्ट सेवा केंद्र है जिदा बरनाला बठिंडा एरिए चंडीगढ़ पैंदा ते मोगा इधर दे एरिया दा जलंधर पैंदा उह सिलेक्ट करन तों बाद गिवन नेम सरनेम है तां पा दो डेट ऑफ बर्थ इहदा मतलब इह नहीं है वी जिहड़े नाम तुसीं इत्थों इत्थे पाओगे उही पासपोर्ट अपलाई कर सकदे हो इह इक तरह की एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जिहदे विच तुसीं पंज पासपोर्ट अपलाई कर सकदे हो देखो मेल आई डी पाउणी आ मेल आई डी पाउण तों बाद ये कहें भी तुम मेल आई डी आपकी यूजर आई डी इतने रखनी है हाँ बिल्कुल यस करके पासवर्ड पा देना तुम्हें मैं पहला भी दसाया पासवर्ड किमें बना सकते हैं छोटा अक्षर एक बड़ा अक्षर मतलब हर कॉम्बीनेशन होना चाहिए वड्डा छोटा अक्षर तो एक स्पैशल करैक्टर होना चाहिए जिवें एट द रेट हैश है ना ये क्लिक करने तो बाद रजिस्टर से क्लिक करोगे तो तुहाडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर तुहाडी जिहड़ी मेल आई डी पाई आ वो तो एक मेल जाएगी उन्होंने वेरीफाई करना जो वेरीफाई करता फिर इतने लॉगिन पर आके वो आई डी पा के कंटिन्यू तो क्लिक करना क्लिक करने तो बाद जो पासपोर्ट रखा सीगा पासवर्ड सॉरी वो पा देना पाने तो बाद लॉगिन कर लेना लॉगिन हो गया जो उदू बाद तो प्रोसैस मैं दसदा भी किमें तुसी अपना नवा पासपोर्ट जा रिन्यू करा वो किमें करना गा तो सारा कुछ ये वीडियो के होगा आज दस दें आप किमें करोंगे सब तो पहले तुम्हें अपलाई फ्रैश जा रीइशू ते क्लिक करना फिर पहले नंबर दी ऑप्शन ते क्लिक करना ऑनलाइन फीस कटाउन लई फ्रैश करना चाहते हो फ्रैश ते क्लिक करना रीइशू करना चाहते हो कोई चेंज करना चाहते हो दूजे नंबर दी ऑप्शन ते क्लिक करना इतने ECR डिलीट दी ऑप्शन आ रही है जे तुसी ECR डिलीट करना चाहते हो ये पासपोर्ट दे विच मैं ECR डिलीट कर रहा फिर नॉर्मल ते पेज सिलेक्ट कर लेना 36 पेज ठीक है यदि नॉर्मल फीस 1500 होंगी है इतों बाद तुसी देखना गा गिवन नेम दे विच तुसी नाम पूरा पाउणा गा जिन्ना तुहाडा नाम आ मतलब जे सिंह लगदा तां सिंह कौर लगदा शर्मा जो भी आ पहले डब्बे दे विच पाउणा गा दूजे डब्बे दे विच सरनेम आ जिद्दां कोई भी तुहाडा सरनेम आ धालीवाल गिल जो भी आ रहा तुहाडा है ना सरनेम पा देना सरनेम पाउण तों बाद थल्ले ऑप्शन आ रही है मेल फीमेल वो सिलैक्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू तुहाडे जेंडर दे मुताबिक तीजे नंबर तीजे ते चौथे नंबर दी ऑप्शन दे विच तुहानू पुछया गया भी तुहाडा नाम कदे बदली तां नहीं करिया कि तुहाडे दो नाम तां नहीं है ठीक है भी मतलब होर नाम नाल तां नहीं तुहानू जाणिया जांदा तुसी नो सिलेक्ट कर देना जे तुसी कदे चेंज नहीं करिया इस तों बाद डेट ऑफ बर्थ पाउण तों बाद प्लेस ऑफ बर्थ कित्थे जन्म होया वह शहर जां पिंड दा नाम लिखण तों बाद जिला सिलेक्ट कर लेना इस तों बाद तुहाडा मैरिटल स्टेटस दसोंगे भी सिंगल हो जां मैरिड जे मैरिड करता तुहाडे कोल स्पाउस दी ऑप्शन आ जाएगी मतलब उत्थे एक खाना आ जाएगा जिथे तुम आपका स्पाउस का नाम भर सकते हो इदू बाद थले देखो सिटीजन नॉर्मल बर्थ तो ही है मतलब जदों का जन्म होया इंडियन सिटीजन उदों तो ही है बर्थ पर क्लिक कर देना इस तो बाद जी ऑप्शन है वह भी दसदा दोनों सिंपल तरीका देखो एक ये है भी रीइशू करना करैक्शन करना तो नवा पासपोर्ट बनाना जमा सेम आनू मैं दसागा कितने जाके थोड़ा फर्क पैंता थोड़ा फर्क की पैंता जे तुहाडा रीइशू कर रहे हो तो उत्थे सिर्फ तुहानू पुराने पासपोर्ट की डिटेल पाउनी पवेगी जे तुसी नवा इशू कर रहे हो ऑब्वियसली उत्थे डिटेल नहीं आएगी वो तुहाडे कोले ऑप्शन नहीं आएगी तुसी नैक्सट कर देना वो आएगी नहीं तो आपां नूं भरन की जरूरत नहीं पवेगी आपां नैक्सट कर देंगे इस तों बाद पैन कार्ड नंबर वोटर कार्ड नंबर जे तुसी भरना चाहते हो भर सकते हो पर ये कंपलसरी नहीं है देखो इतने इंप्लॉयमेंट टाइप स्टूडेंट हो या कोई वर्क कर रहे हो प्राइवेट काम आ जो भी इतने सिलेक्ट कर देना इस तों बाद तुहाडी जिहड़ी क्वालिफिकेशन है जे तुसी दसवीं तो उपर पाने हो ऑटोमैटिकली ही तुहानू नॉन ECR दे विच कैटागरी दे विच पा देगा लास्ट ऑप्शन है जिहड़ी उहदे विच तुहानू सिलेक्ट करना पवेगा सॉरी लास्ट ऑप्शन दे विच तुहानू अपना
आधार कार्ड नंबर पाउणा गा, पाउण तो बाद एग्री करके सेव माई डिटेल ते क्लिक कर देना। कई बार तुहाडा पीसी जां तुहाडा सिस्टम बंद हो जाए जां लॉग आउट हो जाए तां तुहाडी डिटेल इत्थे सेव हो जाएगी। इस तों बाद तुसीं नैक्सट कर देना गा। नैक्सट करन तों बाद जिहड़ी डिटेल आवेगी, पहला डिटेल तुसीं चैक कर लिओ वैसे भरन दे नाल नाल, पर एंड दे उत्ते तुहानूं प्रिव्यू भी आवेगा जिथे तुसीं चैक कर सकते हो मेरी डिटेल दे विच कोई प्रॉब्लम तां नहीं है, है ना। सारी डिटेल तुसीं चैक कर सकते हो, जिन्ना चिर तुसीं पूरी डिटेल नहीं भरोंगे ये अगे प्रोसीड नहीं होवेगा। पैन वोटर कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, तुसीं भर भी सकते हो नहीं भी। इत्थे देखो फादर नाम नेम, फादर नेम भी सेम क्राइटीरिया जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां दस्सिया गा जिवें तुसीं पाउणा गा। जिवें फादर नेम पाउणा तां पहले डब्बे दे विच फादर नेम ते उहदा लास्ट नेम जो भी सर सिंह जो भी है ना वह पाउणा गा तुसीं। इस तों बाद सरनेम थले मदर नेम, इदूं बाद तुसीं नैक्सट कर देना। ग्रेडियन का नाम पाउण दी जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेबल वो केस दे विच हुंदा जदों कोई मतलब अडोप्ट करिया हुंदा वह केस दे विच इत्थे ग्रेडियन दे विच पवेगा नाम। देख जिहड़ी इस तों बाद वाली ऑप्शन होवेगी उहदे विच तुहानूं अपने शहर का नाम एड्रैस पूरा पाउणा पवेगा। फिर भी जे तुहानूं कदे प्रॉब्लम आउंदी आ डिटेल भरन दे विच तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट कर सकदे हो, जे तुसीं इस तों इलावा कुछ पुछना चाहुंदे हो। बिल्कुल एक ही स्टैप वक्खरा गा, शुरू दे विच फ्रैश सिलेक्ट करना जे तुसीं नवां पासपोर्ट बना रहे हो, जे रिन्यू कर रहे हो जिवें मैं कर रहा फिर तो प्रोसैस सेम एवें होएगा। जे नवां बनाउणा चाहुंदे हो तां तुसीं सिंपल यही करना गा, तुसीं इत्थे अपना की कहिंदे फ्रैश पासपोर्ट ते क्लिक कर देना गा। देखो हुण इहदे बाद पाउण तों बाद नैक्सट ते क्लिक कर देना, जे तुसीं नैक्सट ते क्लिक करोगे ये फॉर्म अगे प्रोसीड हो जाएगा। आओ ये तुहानूं मैं दस्सिया ही है भी ग्रेडियन का नाम जरूरत नहीं है, नैक्सट कर देना। नैक्सट करोगे देखो ये आ रहा भी तुहाडे कोल जिहड़ा तुसीं इंडिया तो बाहर का एड्रैस तो नहीं है, नो ते क्लिक आओ आटोमैटिकली उत्थे तुसीं एड्रैस पा देना, घर का मुहल्ला जो भी है, शहर का नाम, विलेज का नाम, थले एक डिफरेंट डब्बी या मतलब एक बॉक्स है जिदे विच तुसीं पा सकते हो। बहुत लोग ने जिहड़े नाम पहले ही पा देंदे दो बार आ जाता गा, उपर भी आपके पिंड का नाम पा देंदे, थले भी पिंड का नाम आके प्रिव्यू दे विच दोबारा दोबारा आ जाता। उपर सिर्फ तुसीं सिर्फ पिंड का नाम पाउणा गा। आ पाउण तों बाद थले ऑप्शन आ रही है स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना जिहड़ा पुलिस स्टेशन तुहानूं नेड़े पैंदा गा। ये पाउण तों बाद पिन कोड आपदा मोबाइल नंबर वो चलदा पाइओ जिते तुहानूं मैसेज आ सके जां कॉल करनगे जदों तुहाडी वेरीफिकेशन होगी, जिहड़ी पुलिस आके तुहानूं वेरीफाई कर देगी, मतलब कोई केस वगैरह नहीं है, है ना। इस बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी, ईमेल आई डी जरूर पायो, ईमेल आई डी आपकी ईमेल आई डी पायो जिहड़ी चल रही है, क्योंकि जे तुसीं ईमेल आई डी पाओगे तुहानूं पता लगता रहेगा पासपोर्ट च कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होल्ड तो नहीं होया, कल कल डिटेल थले आडे जो दो ऑप्शन ने इन्होंने तो जिस से क्लिक करना गा भी परमानेंट एड्रैस हैगा गा तो वो साडा सेम ही आ दुने, ये दुने जिस से क्लिक करना। इस तो बाद ये एमरजेंसी डिटेल होंगी है, किसी की भी पा सकते हो, इतने तुम अपना एमरजेंसी डिटेल के अपना सॉरी नाम पा देना, जिदा नाम पाओगे वह एड्रैस पा के मोबाइल नंबर पा देना, माता पिता का नाम भी पा सकते हो। इतने पासपोर्ट नंबर तो पा रहे हैं क्योंकि रीइशू लिए कर रहे हैं, ईसीआर डिलीट लिए पासपोर्ट नंबर सारा कुछ पासपोर्ट के उपर ही होंगे गा, पासपोर्ट नंबर पाना, इशू डेट कदों इशू होया सी, एक्सपायर कदों हो रहा गा, प्लेस कित्थे प्लेस ऑफ इशू ये पा देना कितों इशू होया, और सारी डिटेल पासपोर्ट के पहले पेज पर होंगी है। फाइल नंबर पासपोर्ट का जिहड़ा लास्ट पेज पर बिल्कुल थले हुंदा गा, उत्थों देख के तुसीं फाइल नंबर पा देना। इहदे उत्ते आप डिटेल नॉट अवेलेबल तो इत्थे तुसीं पा सकते हैं भी इन्होंने पूछा भी तुहाडा कदे पासपोर्ट अपलाई करिया होवे ते इशू ना होया होवे, इहते नो करके आ सारे टिक नो करने ने, क्योंकि इहदे विच तुहानूं मतलब केस वगैरह ही पूछा, केस तो नहीं है कोई, है ना। ये डिटेल आ देखना ध्यान नाल देखियो, जदों आ ऑप्शन आ जाती है इत्थे तुसीं पढ़ सकते हो, एवें दा ही पासपोर्ट बन के आएगा। कई बार मिसटेक पै जाती है, इहनूं वार वार पढ़ के चैक कर लेना, सारी डिटेल चैक करन तों बाद फिर अगे प्रोसीड करना। डिटेल अगे प्रोसीड करन तों बाद तुहानूं उत्थे ऑप्शन आएगी भी तुसीं की पाउणा। आ देखो डिटेल सारी पढ़ लिओ, आपदा पिता का नाम माता का नाम सही पिया होया, सारी डिटेल पाओगे, डिटेल पढ़न तों बाद नैक्सट कर देना। नैक्सट करन तों बाद उत्थे तुसीं सिलेक्ट करना गा भी एज प्रूफ लई मैं पैन कार्ड ला रहा तो अपना एड्रैस प्रूफ लई मैं आधार कार्ड ला रहा, ये दो चीज़ां तुसीं लाओगे तो नैक्सट प्रोसीड कर देना, ठीक है। ये सारा मतलब भी तां मैं तुहानूं दस रहा गा भी जे तुसीं क्लीयरली पढ़ लोगे, है ना, फिर ये मिसटेक नहीं आएगी। फिर भी जे इत्थे मिसटेक पै जाती है पर तुसीं एडिट नहीं कर सकते, पर उत्थे जाके तुसीं ये ठीक करवा सकते हो भी उस टाइम भरन दे समय मेथों गलती हो गई सी इस करके सही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जे तुहाडे कोल कोई मिसटेक होगी सबमिट करता। इस तो बाद पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना, सॉरी पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेना पहले दे विच, दूजे च आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। जो आधार कार्ड ते पैन कार्ड सिलेक्ट करन तो बाद एड्रैस प्रूफ पहली ऑप्शन ही आ रही है,
क्लिक करोगे थले एग्री के उत्ते तो प्लेस आ रही है थले प्लेस के उत्ते जिथे तुम अपलाई कर रहे हो जां अपने पिंड का नाम भी पा सकते हो देखो एग्री करिया इत्थे प्लेस आ रही है होर कुछ भी नहीं पाउणा सिर्फ पिंड का नाम पा के सबमिट कर देना इदू बाद सिर्फ एक प्रोसैस रह गया फीस भरनी है ना फीस भरोंगे इदू बाद सबमिट हो जाएगा फीस भरन लई सबमिट करोगे तो फीस तुसी दो तीन तरीके कटवा सकते हो जां तां एटीएम तो जां अपने यूपीआई जिवें आपां कह दिंदे आ गूगल पे फोनपे पेटीएम उत्थों कटवा सकते हो क्यू आर कोड आ जाएगा उन्हों स्कैन करके पेमेंट प्रोसैस हो जाएगी इत्थे ये स्टैप पूरा नहीं हुंदा इस करके तुहानूं थोड़ा जिहा मैं होर दसदा जो पेमेंट हो जाती है उस तो बाद तुहानूं वेरीफाई करनी पैंदी है पेमेंट वो भी मैं तुहानूं दसदा वेरीफाई किवें करनी है पेमेंट वेरीफाई होने तो बाद फिर दोबारा तुहानूं डेट चकनी पैंदी है ठीक है इत्थे तुहानूं हजे प्रॉपर दिखाउणा हैगा पहलां तुहानूं इदां लगेगा भी डेट मतलब अपना स्लॉट बुक हो गया इत्थे स्लॉट बुक नहीं हुंदा पहलां तुसीं पेमेंट ते क्लिक करोगे पेमेंट करोगे उस तो बाद पेमेंट वेरीफाई होगी वेरीफाई होने तो बाद दोबारा तुहानूं डेट बुक करनी पवेगी बुक होने तो बाद तुहाडे कोल रिसैप्ट आ जाएगी वो डेट ते शेड्यूल सारा कुछ उहदे उत्ते लिखिया हुंदा गा सेम प्रोसैस आ नवे पासपोर्ट का भी जिहड़ा पिछे एक ऑप्शन आई सी जिथे मैं पासपोर्ट नंबर एक्सपायरी डेट पाई सी वो सिर्फ ऑप्शन नहीं आएगी सिर्फ वो ऑप्शन नहीं आएगी बाकी सारा प्रोसैस सेम आ देखो मैं पहले तो क्लिक करता पे नैक्सट करता नैक्सट करन तो बाद इत्थे सिलेक्ट कर लेना भी कितों की तुसी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो थोड़े नेड़े दे सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र की ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्ट करन तो बाद कैप्चा जिवें दा लिखा हुआ वड्डे छोटे अक्षरां दे विच वो क्लिक करन तो बाद नैक्सट करोगे इत्थे डेटा शो करनी है ग्रीन वाली तुसी सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ ज ते रैड वाली नहीं कर सकते ग्रीन वाली चो जिहड़ी तुहानूं डेट लग रही है तुसी वो सिलेक्ट करो तो पे ते क्लिक करो इतने मैं तुम्हें फिर भी दसदा भी इतने डायरैक्ट हजे थोड़ी डेट नहीं बुक होगी इतने तो साली कल्ली पेमेंट होगी आ देखो पेमेंट डन करोगे क्यू आर कोड वाली ऑप्शन आ रही है यूपीआई राही कर सकते हो बैंक राही कर सकते हो एसबीआई कार्ड ते कर सकते हो अदर डेबिट कार्ड मतलब एसबीआई तो बिना डेबिट कार्ड जिहड़ा मर्जी हो सकता एचडीएफसी पीएनबी एक्सिस बैंक जिहड़े मर्जी बैंक का हो सकता सौखा तरीका यूपीआई राही करो हर अजकल हर कोल गूगल पे पेटीएम चल रहा ये क्लिक करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ ਇਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਿਆ ਉਵੇਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਸੇਵਡ ਸਬਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਯੂਅਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ